सो नमस्ते साथियों, मैं नितेश के आर सिंह आर्य, मेरे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस, मतलब ब्लॉगिंग करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा, ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस, दोनों में क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, प्लस जो जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, खासकर उन लोग के लिए जो जो नए नए ब्लॉगिंग फील्ड में आ रहे हैं और वो सीओर नहीं है कि पहले कहाँ से स्टार्ट करें। डिटेल से बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखिए। फर्स्ट ईयर ब्लॉगर, ब्लॉगर जानते हो कि गूगल होस्ट कर रहा है, जैसे गूगल का प्रोडक्ट है जीमेल, यूट्यूब, गूगल प्लस और भी बहुत सारा, गूगल मैप, वैसे ही गूगल का प्रोडक्ट है ब्लॉगर। ब्लॉगर क्या है? फ्री में ब्लॉगिंग करने का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप जाओगे, खोलोगे उसको blogger.com, वहाँ पर जाओगे, अपना वेबसाइट बनाओगे और फ्री में कॉन्टेंट डालना शुरू कर दोगे। ठीक, तो एडवांटेज क्या है? सिंपल है, फ्री है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, मतलब होस्टिंग के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना चाहो उतना ही होस्ट कर सकते हो। लिमिटेशन बस क्या है? सिर्फ आप उसमें टेक्स्ट और इमेज ही होस्ट कर सकते हो, मतलब सिर्फ आप लिख सकते हो उसमें, सिंपल सा बात है। मतलब आप कुछ लिखना उखना है, कुछ लिखने का ब्लॉगिंग करना, जैसे कहीं घूमने जा रहे हो या फिर कोई प्रोडक्ट का रिव्यू है, तो आप जो है सिर्फ टाइप करके लिख सकते हो या फिर इमेज उसमें अटैच कर सकते हो। वीडियो अगर इम्बेड करना है तो आपको यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा, और अगर कोई फाइल इम्बेड करना है तो आपको गूगल ड्राइव का सहारा लेना पड़ेगा, मतलब लिमिटेशन है उसमें ब्लॉगर में। दूसरी तरफ ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म है एक वर्डप्रेस, और भी प्लेटफॉर्म है लेकिन हम लोग दो को कंपेयर करेंगे सिर्फ आज, वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस क्या है कि इसमें वर्डप्रेस पीएचपी बेस, मैं wordpress.org की बात कर रहा हूँ, वर्डप्रेस क्या है, एक पीएचपी बेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब बस इसकी स्क्रिप्ट जो कंटेंट मैनेज करता है। ठीक, तो ब्लॉगिंग के लिए वर्डप्रेस, हालांकि उसमें आप बड़ा बड़ा वेबसाइट बना सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है उसमें, क्योंकि पीएचपी बेस है। आप कहीं भी सर्वर खरीदोगे, चाहे कोई भी कंपनी हो, मैं किसी कंपनी का नाम, कोई फेवरेट नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन जहाँ से खरीद सकते हो आप, होस्टिंग खरीदोगे वहाँ से, उसके बाद जो है अगर वहाँ पर सी पैनल अवेलेबल है तो वहाँ पर वन क्लिक में आप वर्डप्रेस स्टोर कर सकते हो। अगर नहीं है अवेलेबल तो wordpress.org पर जाकर वहाँ पर डाउनलोड करके 6-7 एमबी का होता है फाइल, वो जो है वहाँ पर अपलोड कर सकते हो सर्वर पर, उसके बाद जो है वर्डप्रेस वहाँ पर काम करने लगे सेटिंग करने के बाद। वर्डप्रेस में क्या है? कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि पीएचपी बेस है कंटेंट, मतलब कोडिंग करना है आपको, कोडिंग करके जो चाहो ऐसा बना सकते हो, डिजाइन हो वैसा चाहो आप इतना फंक्शन डाल सकते हो। लेकिन ब्लॉगर में क्या है कि वहाँ पूरा लिमिटेशन है, वहाँ पर यह है कि दो ही चीज़ों को फ्री मिल रहा है, एक जो है आपको नाम फ्री मिल रहा है, एक जो है आपका होस्टिंग का मतलब जो था ना रिसोर्स फ्री मिल रहा है। लेकिन रिसोर्स में यूज करने का रिसोर्स का लिमिटेशन है, मतलब कौन फाइल यूज कर सकते हो कौन नहीं कर सकते, वो जो लिमिटेशन है। बाकी होस्टिंग का कोई लिमिटेशन नहीं, जितना कौन चाहता होस्ट कर सकते हो, लेकिन बस लिमिटेशन क्या आएगी? इमेज और टेक्स्ट। वर्डप्रेस में क्या है? कोई लिमिटेशन नहीं है, उसमें प्लगइन वगैरह ऐसा आता है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। लिमिटेशन क्या है कि उसमें ये आपका होस्टिंग का चार्ज लगेगा, क्योंकि आपको होस्टिंग खरीदना पड़ेगा, और होस्टिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि साइट जैसे ही फेमस हुआ, अगर आप शेयर होस्टिंग यूज़ कर रहे हो तो ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाएगा, आपको जो क्लाउड में जाना पड़ेगा। अब क्लाउड में क्या है, जितना ट्रैफिक बढ़ेगा उतना उसका पैसा बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा। अगर आपके पास एडसेंस तो ठीक है, अगर एडसेंस नहीं है तो समस्या है। ठीक, तो ब्लॉगर, वर्डप्रेस, अनलिमिटेड होस्टिंग रिसोर्स, लिमिटेड होस्टिंग रिसोर्स, फ्री, पेड। ठीक, तो लिमिटेशन, नॉन लिमिटेशन फंक्शन में। ठीक, अब आते हैं यार कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ब्लॉगर के साथ, वर्डप्रेस के साथ। तो देखो, मैं स्टार्टिंग किया था ब्लॉगर से, ब्लॉगर में एक वेबसाइट लॉन्च किया था, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो जो है सडनली काफ़ी ट्रैफिक आया उसमें, अच्छा खासा इनकम भी हुआ। लेकिन जैसे ही फेमस हो गया उसमें DMCA आ गया, कॉपीराइट क्लेम, एक आया, दो आया, तीन आया, उसके बाद जो है गूगल क्या किया, मेरा ब्लॉग अकाउंट को पूरा बंद कर दिया, सस्पेंड कर दिया। क्योंकि ब्लॉगर का कुछ कुछ पॉलिसी है, मुझे पता नहीं था उस समय, ब्लॉगर में क्या है कि अगर आपको 3 से ज़्यादा DMCA होता है तो आपका जो अकाउंट जो है पूरा से बंद कर देगा गूगल, blogger.com, उस प्रोडक्ट को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, मतलब एक आपका जो ईमेल एड्रेस होता रहेगा ही, blogger.com आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, उसको खोल नहीं पाओगे, उससे आपको गूगल हटा देगा, ये जो है मेन प्रॉब्लम है। तो अगर आप कुछ कॉपीराइट वाला कुछ प्रोडक्ट शेयर करना चाह रहे हो ब्लॉगर पर तो भूल ही जाओ यार। हालांकि मैं देखता हूँ बहुत लोग शेयर करता है, बहुत लोग जो है कहीं का क्रैक गेम, कोई क्रैक सॉफ्टवेयर है, कोई मूवी का लिंक है, वो सब लोग शेयर कर देता है, और थोड़ा बहुत ट्रैफिक आता ही है, आएगा ट्रैफिक नो डाउट, तब तक जब तक कॉपीराइट आ गए 3 कॉपीराइट हुआ पूरा अकाउंट बंद। अगर ऐसा कुछ प्लान है आपका कुछ कॉपीराइट प्रोडक्ट शेयर करने का, सोच रहे हो वर्डप्रेस की तरफ जाओ, वहाँ पर नहीं, वहाँ पर DMCA बना दो, ईमेल दे दो, किसी को प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टैक्ट करिएगा, आप सब कॉन्टैक्ट करा सकते हो। ठीक, ये सुविधा है ब्लॉगर में और वर्डप्रेस में। ठीक, तो इसमें क्या है, ऑटोमेटिक उसमें क्या है, वो सिंपल सा है।
अब यार उससे लगता है कि मैं अपना बर्थडे नॉर्मली काम कर रहा है ठीक। कहते हैं यार कि स्टार्टिंग आप लोग इससे कर रहे हैं, मैं नए ब्लॉगर हूँ तो देखो नए नए ब्लॉगर की बात बहुत छोटा होता नहीं कैसे आर्टिकल अच्छा जाए कैसे क्या किया जाए कैसे स्टार्टर रहता है कैसे, वो सीखने में है, पेंडिंग मोड में है, सीख ही रहा है अभी, सीखने में टाइम लगता है, 6-7 महीना सीखने में टाइम लगेगा आपको, मेरा तो 6 साल लग गया क्योंकि मैं तो अपने आप सीखा हूँ, लेकिन अगर आपको रिसोर्स मिल रहा तो जल्दी सीख जाओगे। तो मैं बोल रहा हूँ आपको 3-4 महीना आपको सीखने में टाइम लग गया, उससे इसलिए बेस्ट रहेगा कि आप जो है ब्लॉगर की तरफ जाओ, ब्लॉगर फ्री में है, जाओ बनाओ अकाउंट बनाओ, उस पर एक्सपेरिमेंट करो, कुछ कुछ शेयर करो, देखो कैसे काम करता है गूगल, कैसे रिस्पॉन्स करता है वेबसाइट को, सीखो कैसे काम कर रहा है। जब पूरा सीखना हो जाएगा तब वर्डप्रेस पर आओ, वर्डप्रेस पर आओ, क्योंकि वर्डप्रेस में क्या है कि होस्टिंग का कॉस्ट है यार, अगर आप वर्डप्रेस पर आए और इनकम ही नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, क्या करोगे आप, इनकम ही नहीं हो रहा तो क्या करोगे आप, सर को बंद करना पड़ेगा, फिर डीमोटिवेटेड हो जाओगे कि नहीं होगा नहीं ब्लॉगिंग होगा नहीं, छोड़ दोगे आप। उससे बेस्ट है आप ब्लॉगर पर जाओ, वहाँ पर सीखो, उसके बाद वर्डप्रेस में आओ, डायरेक्ट कमाना शुरू करो। वर्डप्रेस में क्या है कॉस्ट है यार, वर्डप्रेस में कॉस्ट है, उसमें आपको पे करना पड़ेगा, इनकम हो या ना हो आपको होस्टिंग खर्च देना ही पड़ेगा, डोमेन नेम का जो है खर्च देना पड़ेगा। वहाँ पर क्या है कि ब्लॉगर में डोमेन नेम फ्री मिल रहा है, हाँ सब डोमेन नेम मिल रहा है, लेकिन डोमेन नेम मिल रहा है आपको, फ्री में डोमेन नेम मिल रहा है, होस्टिंग रिसोर्स फ्री मिल रहा है, कंटेंट इमेज डालो, कस्टम डोमेन नेम चाहो तो ले सकते हो आप, सस्ता में आता है, .in वाला ले सकते हो ठीक। तो अगर आप स्टार्टर हो ब्लॉगर बेस्ट है, सीख गए उसके बाद जाओ वर्डप्रेस पर। वर्डप्रेस में क्या है कोई लिमिटेशन नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, एडसेंस है तो ट्रैफिक आएगा तो इनकम होगा ही होगा, अच्छा फ्यूचर है ठीक। तो फिर जब आप और एडवांस हो जाओगे, कोडिंग वोडिंग सीख जाओगे, एडवांस हो जाओगे और, तब आप जब आप बनाओगे कोई वेबसाइट जो सिंगल पेज बेस होगा, सिंगल पेज बेस मतलब एक ही पेज में पूरा वेबसाइट आता होगा, कोई टूल्स बेस्ड वेबसाइट हो, टूल्स वाला जो ईमिया कैलकुलेटर हो, लोन कैलकुलेटर हो, कोई भी तरह का टूल्स बेस्ड वेबसाइट, फिर ब्लॉगर पर आओ, समझे। ब्लॉगर क्या है, बिगनर लोग के लिए है और एडवांस लोग के लिए भी है ब्लॉगर। अगर आप कुछ स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो जो सिंगल पेज वेबसाइट है, उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक आने का संभावना है, बहुत ज़्यादा, मान लो 10 लाख 15 लाख, तो आप वर्डप्रेस में क्यों डालोगे, उसका होस्टिंग या कोर्स कॉस्ट क्यों, आवश्यकता नहीं है। उससे बेस्ट है ब्लॉगर पर जाओगे, ब्लॉगर जो आपको फ्री में दे रहा है होस्टिंग, बस शर्त क्या है आपका जो वेबसाइट हो स्टैटिक होना चाहिए, मतलब जो जो भी काम हो रहा है जावास्क्रिप्ट होना चाहिए, कोई पीसी बेस नहीं ठीक। तो ब्लॉगर जो है आपके लिए बेस्ट है, ब्लॉगर की तरफ जाओ स्टार्टिंग में, फिर वर्डप्रेस में। होप है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं डिसलाइक कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन सुझाव होता मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देने का। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि जो साइट रैंक करता है ना, जिस चैनल सब्सक्राइब बटन उस क्लिक मारो तो सिग्नल जाएगा, पॉजिटिव सिग्नल, रैंक करेगा टॉप में, ऐसा होता है। बाय।